हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी गिलोय किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं। इन दिनों चिकनगुनिया और डेंगू के कहर से लोग बहुत घबराए हुए हैं और ख़ुद को इन दो गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोग इनसे बचने के लिए गिलोय का सहारा ले रहे हैं। कोई गिलोय का काढ़ा बनाकर पी रहा है तो कोई इसकी गोली बनाकर खा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि गिलोय एक बेहतरीन और कारगर आयुर्वेदिक दवा के रूप में काफ़ी लाभदायक है। लोग इसका सेवन अमृत मानकर करते हैं। सबसे पहले गिलोय के फायदे के बारे में जान लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गिलोय, जो कि फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी सुरक्षित रखने और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। जब कभी आपको तेज़ बुखार हो जाए तो ऐसे में भी गिलोय लेना बहुत फ़ायदेमंद है। गिलोय से आपके ब्लड प्लेटलेट्स की काउंटिंग भी बढ़ती है। यही नहीं, गिलोय आपके पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखने में काफ़ी लाभकारी है। गिलोय से अर्थराइटिस और अस्थमा जैसी समस्या को भी ठीक किया जा सकता है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनके लिए भी गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है। कितनी मात्रा में लेना चाहिए गिलोय? किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा गिलोय नहीं लेनी चाहिए। गिलोय को अगर ज़्यादा मात्रा में ले लें तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों के लिए तो इसकी मात्रा और भी कम होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कितना ठीक रहता है गिलोय, चलिए जानते हैं। अगर बच्चे बहुत ही छोटे हैं या फिर नवजात हैं तो उन्हें गिलोय देना बहुत खतरनाक होगा। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों को गिलोय देने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों को एक दिन में 250 मिलीग्राम से अधिक गिलोय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। गिलोय को आप हथियार मानते हैं डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए, ये अच्छी बात है और वाकई ये एक हथियार है जो हमें 2 बड़ी बीमारियों से बचाता है। इन सब के बावजूद हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि गिलोय का पानी किन किन लोगों के लिए सही है और किस उम्र के लोगों के लिए इसका पीना खतरनाक। साथ ही इसकी मात्रा भी ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि गिलोय किन किन लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।